हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के आने के बाद जो है इसको ज्वाइन करने के बाद जो है फेल क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको पांच सबसे बड़े कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से नेटवर्किंग में लोग अक्सर जो है फेल हो जाते हैं, और वो जो है नेटवर्किंग में जो सपने लेके आते हैं वो उनके पूरे नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहला कारण है जिनकी वजह से नेटवर्किंग में लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, वो है जीरो एंट्री कॉस्ट। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, ये इस बिजनेस की खूबी भी है और जो है इसकी जो सबसे बड़ा जो है एक नेगेटिव पॉइंट भी है। ये बिजनेस क्या है, जीरो एंट्री से शुरू हो जाता है, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस आपको कुछ सामान लेना पड़ता है। वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रूल्स जो है होते हैं, वो आपको एक ऐसे पैसे दो दूसरे ऐसे सामान ले लो, तो यही जो है आपका एक वीक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि इस बिजनेस में आपको कोई स्टाफ की जरूरत नहीं, कोई दुकान की जरूरत नहीं, किसी स्टॉक की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई बिजनेस जो है एक शॉपिंग करने से शुरू नहीं होता, बल्कि बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और दोस्तों, ऐसा ही होता है, मेहनत करने से ही बिजनेस चलता है। तो दोस्तों, जीरो एंट्री कॉस्ट अगर आप समझ के इस बिजनेस को करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको ये मान के चलना है कि आपकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ, गलत सपनों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। वो सोचते हैं कि नेटवर्क जैसे ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो नेटवर्किंग के में आने के बाद जो है उनकी जिंदगी बदल गई है दोस्तों, वो करोड़पति होने का, जैसा कि उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। वो जो सोचते हैं कि बस अब हम दो लोगों को लेफ्ट राइट लगा देंगे और हम जो है बैठ के ऐश करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको जो है मार्केट में भी अगर किसी बिजनेस में कामयाब होना है तो 3 से 5 साल का समय लगता है, और अगर 3 से 5 साल के समय में आपका कोई बिजनेस चल जाए तो आपको लगता है कि यार कमाल हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही इस बिजनेस में होता है। आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको 3 से 5 साल इस बिजनेस को देने होंगे, तभी आप जो है इस बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि अगर आप किसी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन या किसी लॉटरी को सोच के इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर 3 है वो है यहाँ पे जीरो एग्जिट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को छोड़ने के लिए आपका कुछ भी जो है नुकसान नहीं होता है, इस बिजनेस को छोड़ने का कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए सभी लोग जो है इसको आसानी से छोड़ जाते हैं। अगर आप सोच के देखो, एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को, अपनी फैक्ट्री को बंद करना चाहे तो दोस्तों उसका हजारों लाखों रुपया जो है फैक्ट्री के अंदर लगा है और हजारों लाखों रुपया उसका मार्केट के अंदर है, तो अगर वो बिजनेस को छोड़े तो जो मार्केट के अंदर है वो भी खत्म और जो फैक्ट्री में लगा है वो भी खत्म। तो इसलिए वो अगर घाटे में भी चल रहा है तब भी वो इस बिजनेस को करता जाएगा, अपनी फैक्ट्री को चलाता जाएगा, इसीलिए वो जो है धीरे धीरे अपने बिजनेस में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही यह होता है नेटवर्किंग के अंदर। अगर आप जो है इस बिजनेस को छोड़ना चाहें तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए लोग इसे आसानी से छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो ये भी एक भी जो इस बिजनेस का बहुत बड़ा जो है आपके लिए वीक पॉइंट है कि इसकी जो है एग्जिट कॉस्ट जीरो है। अगर आप बिजनेस को स्किप करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है नंबर 4, वो है लैक ऑफ फोकस। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर लोग फोकस ही नहीं करते हैं, कोई अपना जो है नेटवर्किंग के अंदर जब आते हैं कोई ना कोई काम करते हैं, सभी जो है पार्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो होता है वो उनके लिए सबसे वीक पॉइंट के, वो अपने सभी काम करने के बाद, अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद, सभी घर के काम करने के बाद फिर चले आते हैं कि अब नेटवर्किंग करेंगे। तो दोस्तों, नेटवर्किंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, इसको फ्री टाइम में करना ये भी एक आपका वीक पॉइंट है। इसके लिए टाइम निकालो, इसके फोकस करो, अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे तो आप भी इस बिजनेस में नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि लोग इस पे फोकस नहीं करते, सभी कामों को करने के बाद फिर नेटवर्किंग में करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा 5वां पॉइंट, वो है लर्न जो सिस्टम है, नॉट लर्न टू द सिस्टम। तो लोगों को सिस्टम को समझना और सिस्टम को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं कि हाँ मुझे पता है ये बिजनेस कैसे चलेगा। दोस्तों, अगर आपको
आपको पता होता कि बिजनेस कैसे चलेगा तो आपको जो है बिजनेस में आने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको किसी और अच्छे काम में जो है कामयाब हो चुके होते। तो ये मेरी बात का बुरा मत मानो, क्योंकि ये बिजनेस के एक रूल है कि आपको इस बिजनेस को समझना होगा, सीखना होगा, सिस्टम को पढ़ना होगा। तो इसीलिए दोस्तों लोग अपना दिमाग इस बिजनेस में आने के बाद चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सब पता है, और ये बिजनेस सिर्फ जो है नेटवर्किंग के रूल से ही चलेगा दोस्तों, आपके दिमाग से नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको जो है सिस्टम को समझना होगा और सिस्टम को पढ़ना होगा। तो दोस्तों यही थे वो 5 पॉइंट, सबसे मेन 5 पॉइंट जिनकी वजह से लोग अक्सर नेटवर्किंग में फेल हो जाते। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो है अगर नेटवर्क में कामयाब होना है तो इन 5ों पॉइंट्स पे जो है फोकस कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि आपको जो है इनकी वजह से नेटवर्किंग में फेल कभी भी नहीं होना है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे एक वीडियो के साथ मिलूंगा।